वेनमस और पॉइजनस। वैसे अगर देखा जाए तो इन दोनों शब्दों का मतलब है जहर या जहरीला, लेकिन अंग्रेजी में इन दोनों के मतलब बिल्कुल अलग हैं। यानी कि वेनमस का मतलब होता है एक ऐसा जीव जो किसी दूसरे जीव पर हमला करके अपने दांतों या नुकीली स्पाइंस की मदद से अपना जहर दूसरे जीव में इंजेक्ट करे। वहीं पॉइजनस का मतलब होता है एक ऐसा जीव जिसके शरीर या स्किन में जहर होता है और उसे छूने से या उसे खाने से दूसरा जीव या इंसान मर सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही कुछ जहरीले जानवरों के बारे में जिनका जहर हमारे या दूसरे किसी भी जानवर के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, और कुछ ऐसे जीव जिनके हमले से हमारे शरीर में जहर पहुंच सकता है जो कि बहुत फेटल साबित हो सकता है। स्टारगेजर। स्टारगेजर की दो प्रजातियां होती हैं, एक सैंड स्टारगेजर और दूसरी इलेक्ट्रिक स्टारगेजर। ये मछलियां भी अपने आप को समुद्र की सतह पर रेत में दबा कर रखती हैं और इनका भोजन जिंदा मछलियां होती हैं। ये मछलियां एम्बुश प्रेडेटर्स मानी जाती हैं क्योंकि रेत के नीचे से ये अपने शिकार पर घात लगाकर बैठी रहती हैं, और जैसे ही कोई मछली इसके पास खाना ढूंढने आती है तो पलक झपकते ही ये उसे पकड़ अपना भोजन बना लेती है। इनका शिकार करने का समय मात्र 150 मिलीसेकंड्स होता है, जिसकी वजह से इसका शिकार अपनी जान बचाने का सोच भी नहीं पाता। ये मछलियां समुद्र की सबसे मीन यानी कि सबसे कमीनी और नीच मछलियां मानी जाती हैं, क्योंकि ना सिर्फ ये समुद्री रेत के नीचे से अपने शिकार पर वार करती हैं, साथ ही साथ ये बेहद वेनमस और इलेक्ट्रिक भी होती हैं। ये मछलियां अपना बचाव करने के लिए अपने शरीर पर मौजूद स्पाइंस का इस्तेमाल करते हुए इसके शिकार या जिससे इसे खतरा महसूस होता है उसमें अपना वेनम इंजेक्ट कर देती हैं, और उसी के साथ साथ एक तेज बिजली का झटका भी अपने शिकार को देती हैं। हालांकि इनका इलेक्ट्रिक शॉक इतना फेटल नहीं होता, लेकिन वो किसी भी जीव को दूर करने के लिए काफी होता है, जिसके बाद ये मछलियां इसे रिचार्ज दोबारा खाना खाकर करती हैं। इनका वेनम थोड़ा अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट्स इसके वेनम की स्टडी करने में असफल हैं। लायनफिश। समुद्र में गोता लगाने के बाद हमें एक दूसरी दुनिया देखने को मिलती है, और इस समुद्री दुनिया में कई खूबसूरत और बेहद मेस्मराइजिंग चीजें हमें देखने को भी मिलती हैं। सुंदर मछलियां, कोरल रीफ्स और कुछ छोटे स्कैवेंजर्स समुद्री सतह पर घूमते फिरते दिखते हैं। वहीं पानी के अंदर एक और सुंदर लेकिन बेहद खतरनाक मछली भी रहती है, जिससे गोताखोर भी दूरी बनाकर रखते हैं, और इस मछली का नाम है लायनफिश। ये मछली देखने में बेहद सुंदर लगती है क्योंकि इसके पतले पतले फिन्स बहुत ही मेस्मराइजिंग होते हैं, पर इस मेस्मराइजिंग ब्यूटी में जानलेवा स्पाइंस छुपे होते हैं जो बेहद नुकीले होते हैं, और इन स्पाइंस में एक बहुत ही पोटेंट जहर यानी कि वेनम रहता है। समुद्री गोताखोर यानी कि स्कूबा डाइवर्स इस मछली से दूरी इसलिए बनाकर रखते हैं क्योंकि अगर इसकी एक स्पाइन भी उन्हें चुभ जाए तो वो कई तरह से उन्हें घायल कर सकता है, जिसमें शामिल है एक्सक्रूशिएटिंग पेन यानी कि कष्टदायक दर्द, सूजन, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स मतलब हमारे दिल का धड़कना भी बंद हो सकता है। और ये मछलियां पाई जाती हैं इंडो पैसिफिक समुद्र में, और ये वहां से फैलती भी जा रही हैं। इन मछलियों को सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स की अटलांटिक कोस्ट पर पाया जाता है। स्टिंगरे। समुद्र की सतह पर रेत के नीचे छुपने वाली मछलियों में से एक और मछली है स्टिंगरे। ये मछली समुद्री रेत से अपने आप को कैमोफ्लाज कर लेती है, और इसके शिकार या दूसरे किसी भी जीव को इसके वहां होने का पता बिल्कुल भी नहीं चल पाता। इस मछली की कई प्रजातियां होती हैं, लेकिन कुछ ही प्रजातियां वेनमस होती हैं, जिनमें से ब्लू स्पॉटेड स्टिंगरे सबसे ज्यादा जहरीली मानी जाती है। सतह पर छुपे होने की वजह से क्योंकि इसके होने का पता नहीं चल पाता, इसलिए कई प्रेडेटर्स मछलियां और यहां तक कि इंसान भी इस पर गलती से पैर रख देते हैं, और इसका वेनम इस पर पैर रखने वाले या इस पर बैठने वाले जीव के शरीर में एंटर कर जाता है, और इनका वेनम कार्डियोटॉक्सिक यानी कि दिल को वीक बनाने के साथ साथ दिल का धड़कना रोक भी सकता है। इंडो पैसिफिक समुद्र में पाई जाने वाली ये मछलियां अगर समुद्री सतह पर रेत के नीचे दबी नहीं रहती तो ये दूसरे जीवों से अपना बचाव करने के लिए अपने शरीर पर मौजूद ब्लू स्पॉट्स का इस्तेमाल करती हैं और दूसरे जीवों को इंटिमिडेट करती हैं, ताकि हर जीव इससे दूरी बनाए रखे और जरूरत पड़ने पर ये अपना जहर भी इस्तेमाल कर लेती हैं। बॉक्सफिश।
ये मछलियां पफर फिश की काफी क्लोज रिलेटिव्स मानी जाती हैं, लेकिन ये उनके मुकाबले थोड़ी कम पॉइजनस होती हैं। मगर कम पॉइजनस होने से ऐसा जरूरी नहीं है कि ये मछलियां जानलेवा नहीं होती। इनका अपने आप को डिफेंड करने का तरीका काफी क्लेवर और इम्प्रेसिव होता है। वो ऐसे कि जब इन मछलियों को अपने आसपास किसी भी तरह का खतरा महसूस होता है तो इनके स्किन सेल्स में मौजूद जहर ये अपने आसपास एक्सक्रीट करके फैला देती हैं, और उसे अगर किसी दूसरी मछली ने इनहेल कर लिया तो उनके लिए ये घातक भी साबित हो सकता है। जहां तक इंसानों का सवाल है तो हमारे शरीर पर मौजूद स्किन पोर्स के द्वारा ये जहर हमारे शरीर में एंटर कर हमें बेहोश या काफी वीक भी कर सकता है, क्योंकि हवाई के समुद्र में पाई जाने वाली बॉक्सफिश का जहर इतना पोटेंट होता है जिसे ऑस्ट्रासिटॉक्सिन या पाहुटॉक्सिन भी कहा जाता है। और ये टॉक्सिन इंसान तो क्या, किसी भी दूसरे जीव के शरीर में घुसकर उनके रेड ब्लड सेल्स पर अटैक करके आरबीसी को पूरी तरह खत्म कर देता है। देखने में ये मछलियां छोटी और काफी सुंदर होती हैं, लेकिन इनसे दूरी बनाए रखने में ही समझदारी है। डक बिल्ड प्लैटिपस। इन जीवों में मेल प्लैटिपस के आगे वाले पैरों पर पॉइंटी सुई जैसे स्पर्स होते हैं, जिनमें एक जानलेवा जहर रहता है, और अगर इन्हें इनके आसपास किसी भी तरह का खतरा महसूस होता है तो ये अपनी सुइयों का इस्तेमाल कर अपना वेनम अपने शिकार या खतरे के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, और इनके जहर की वजह से इतना ज्यादा दर्द होता है कि कोई भी व्यक्ति उस दर्द को सहन नहीं कर पाता। इतना ही नहीं, इस दर्द को कम किसी भी दवाई से नहीं किया जा सकता, और ये दर्द हफ्तों तक जाता भी नहीं है। कैटफिश। वैसे तो कई देशों में कैटफिश को पकाकर खाया जाता है, लेकिन इसकी कुछ प्रजातियां काफी वेनमस होती हैं, और इनके फिन्स की मदद से ये अपने शिकार और प्रेडेटर पर हमला कर अपना जहर इंजेक्ट कर देती हैं। और अगर फिशिंग करते समय इन्हें हाथ लगाया जाए तो ये मछली अपना बचाव करते हुए अपना वेनम दूसरे जानवर में इंजेक्ट कर देती है। कैटफिश का जहर इतना पोटेंट होता है कि ये एक बार में आपको हॉस्पिटलाइज कर सकती है, और अगर समय पर इसका इलाज नहीं करवाया गया तो इसका जहर हमें जान से भी मार सकता है। तो अगर आपको फिशिंग का शौक है या स्कूबा डाइविंग पसंद है तो ध्यान रखिएगा कि कैटफिश से दूरी बनाए रखें। पफर फिश। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पॉइजनस और वेनमस दोनों तरह के जीव अलग होते हैं, और पफर फिश पॉइजनस होती है, जिसे जापान में एक डेलिकेसी के रूप में खाया भी जाता है। और इतना ही नहीं, क्योंकि ये मछली बेहद पॉइजनस होती है, इसलिए इसे खाने लायक बनाने के लिए बेहद एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस्ड ट्रेन्ड शेफ ही बना सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मछली की चमड़ी, इसके लिवर, इंटेस्टिन्स और ओवरीज में सबसे ज्यादा जहर पाया जाता है, जिसका नाम टेट्रोडोटॉक्सिन है। और ये जहर इतना खतरनाक होता है कि सिर्फ 2 mg ही हमारे न्यूरल ट्रांसमिशन को बर्बाद करते हुए हमें वीक बनाने और पैरालाइज करने के साथ साथ हमें जान से भी मार सकता है। स्टोनफिश। दुनिया के सबसे जहरीले जानवरों में शामिल है स्टोनफिश। ये मछली ज्यादातर इंडो पैसिफिक रिवर की सतह में पाई जाती है। ये फिश दिखने में एकदम पत्थर की तरह नजर आती है, और यही कारण है कि इसका शिकार होने वाले ज्यादातर जीव इन्हें पहचान नहीं पाते और आसानी से इसका शिकार भी हो जाते हैं। अपनी इसी विशेषता की वजह से स्टोन फिश को मास्टर ऑफ कैमोफ्लाज भी कहा जाता है। स्टोन फिश खुद को अपने आसपास के सराउंडिंग में कुछ इस तरह छुपा लेती है कि इंसानों तक का इन्हें पहचानना लगभग असंभव हो जाता है। स्टोन फिश पर पैर पड़ते ही ये खुद पर पड़ने वाले वजन की मात्रा में जहर निकालती है। ये जहर इतना खतरनाक होता है कि अगर गलती से भी किसी ने इस पर पैर रख दिया तो उसका पैर काटने के बजाय कोई और दूसरा चारा नहीं बचता। इसके एक बूंद जहर में इतनी ताकत होती है कि यदि इसे किसी शहर में पानी में मिला दिया जाए तो उस पानी को पीने वाले सभी लोग मौत के घाट उतर सकते हैं। स्टोन फिश का रिएक्शन टाइम महज 0.15 सेकंड होता है, यानी कि एक पलक झपकने तक के वक्त में कोई भी इसका शिकार बन सकता है। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आज ही झन्नाट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। गुड बाय।